आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम ब्लॉक संभल के गांव मन्नीखेड़ा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 38 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 16 किलोमीटर है। 2400 वोट और 7000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान नौजवान अमित कुमार ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ग्रामवासियों के भरोसे को टूटने नहीं दिया है। ग्राम प्रधान अमित कुमार और सचिव धीरेंद्र औलख के सहयोग से स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। विकास के पथ पर यह गांव अग्रसर है। लॉकडाउन के चलते भी ग्रामवासियों को जागरूक किया गया। इन्होंने अपने इस कार्यकाल में गांव को किस प्रकार सजाया है, कितना विकास कराया है और क्या क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक संभल के मन्नीखेड़ा ग्राम पंचायत में, जहां प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, किस तरह से यहां लॉकडाउन के चलते लोगों की मदद की गई है और क्या कोशिशें अब आने वाले समय में इनकी आगे जारी रहेंगी, इन सब के बारे में हम ग्राम प्रधान से जानकारी लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं ग्राम प्रधान से। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। अब तक का जो कार्यकाल आपका बीत चुका है, ये पंचवर्षीय पूरी समाप्त होने को है, लगभग पूरी कंप्लीट होने को है, अब तक के बीते हुए समय में क्या क्या विकास कार्य गांव में आपने करवाए हैं? सीसी टाइल वगैरह कराई गई हैं, नाले बनवाए गए हैं और आवास तो अभी कोई नहीं आया, पंचायत घर बनवाया गया है। आवास एक भी नहीं मिला है जी, अभी फिलहाल वाली मतलब इस पंचवर्षीय में कोई नहीं आया है। 74 आवास हैं, जो 74 लोग हैं जिनके आवास ऑनलाइन करा दिए गए हैं, जैसी भी आते हैं उसके बाद उन्हें दे दिए जाएंगे। ODF हो गई ग्राम पंचायत पूरी? हाँ, इसमें ODF हो गई है, शौचालय की इसमें जी। तो यहाँ पर जैसे शौचालय बनना है, वो रह गया है, सार्वजनिक शौचालय, तो वो अभी कार्य योजना में आया है, तो अभी हाँ, बनना स्टार्ट हो गया। पेंशन वगैरह मिल रही है लोगों को सभी को? हाँ जी, वृद्धा पेंशन भी मिल रही है, विधवा पेंशन भी मिल रही है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या सम्मान निधि का जो पैसा किसानों के खाते में आ रहा है, तो इस तरह की जो भी योजनाएं यहां लागू होती हैं, आपके गांव में क्या सभी लोगों को इनका लाभ पूरा पूरा मिल पाता है? हाँ, अधिकतर तो सभी लोगों को, ज्यादातर जो पात्र लोग हैं उन्हें दिलाया जा रहा है जी। बाकी आगे जो कुछ रह जाते हैं उनके, उन्हें भी ऑनलाइन कर दिए जाते हैं जी। स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट लगवाई है जी? सोलर लाइट नहीं लगाई, डस्टबिन वगैरह? हाँ, डस्टबिन वगैरह लगी। साफ सफाई की कैसी यहाँ पर सिचुएशन क्या है? एक जो मेन रास्ता है PWD का है, एक नाला बनना है, वो सड़क भी PWDC होगी हमारे, उसमें नहीं होती और बाकी जितना हमारे इसमें हुआ, ज़्यादातर को सभी रास्ते करा दिए गए हैं। अभी कुछ बड़ा गांव है, इसी वजह से कुछ रास्ते रह चुके हैं जो सरकार की तरफ से आगे कोई आगे जैसे जो लिख के दिए गए हैं, मतलब अभी भी कच्चे रास्ते बाकी हैं गाँव में। हाँ, दो चार रास्ते ऐसे हैं जिन्हें करा दिए जाएंगे। सफाई के लिए सफाई कर्मचारी यहाँ आता है? सफाई कर्मचारी आता है जी। तो मतलब कहीं पर ऐसा तो नहीं है जैसे कूड़े के ढेर या गंदगी या पानी कहीं पर इकट्ठा हुआ है? PWD की सड़क है, वो थोड़ा नीचे आ गई है, उस पर थोड़ा पानी है, उसमें पानी भरा रहता है। PWD की वो एप्लीकेशन दे भी दी गई है जी। कार्यकाल के अंतर्गत स्कूल में क्या क्या काम कर रहा है? स्कूल में शौचालय बनवाए थे, आंगनबाड़ी केंद्र बना है अभी और बाकी एक रूम बना था पहले, फिलहाल तो स्थिति स्कूल की सही है जी। एजुकेटेड यंगस्टर है, मतलब युवा प्रधान है और आज के वक्त को अगर देखा जाए, इस माहौल को देखा जाए, तो लोगों को बहुत ही उम्मीदें होती हैं एक शिक्षित और युवा, जबकि उनका जनप्रतिनिधि यहाँ चुना गया है, तो काफ़ी उम्मीदें लोगों को होती हैं। तो इस स्तर पर आपका अपनी तरफ से क्या कोई रुझान है गांव में विकास को लेकर के, मतलब कुछ ऐसा आप करना चाहते हैं गाँव में जो कि अब से पहले ना हुआ? मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ पे एक तो खेल का मैदान बन जाना चाहिए, जिससे बच्चे आगे भी बढ़ें, कुछ सीख मिले और बाकी एजुकेशन में सही होना, मतलब जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल की जगह है जो सरकारी जगह छुपी हुई है, मैं सोच रहा हूँ इसमें जूनियर हाई स्कूल तक तो बच्चे बाहर ना जाएं, उसमें अपना पढ़ सकें, बच्चों को खेलने के लिए मैदान बन जाए। जैसे यहाँ 70 दिन का पूरी तरह से लॉकडाउन रहा है पूरे देश में, तो कई लोगों के आगे बड़ी बड़ी परेशानियाँ आई हैं खाने पीने को लेकर के या और भी कई तरह की, तो आपके गांव में भी क्या ऐसे परिवार रहे हैं और अगर हैं तो उनके लिए आपने अपनी तरफ से क्या मदद की? कोई ज़्यादातर तो सभी लोगों के राशन कार्ड बनवा दिए गए थे, बाकी कुछ लोग अगर ऐसे रहे जिनमें जिन्हें दिक्कत आई, तो उन राशन डीलर के पास हर आदमी नहीं लेने आता, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं पहुंच पाते, तो उनका उन्हें ना दिला के उन लोगों के जगह कमजोर परिवारों को दिलवा दिए। मतलब किसी भी परिवार के आगे कोई भी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आ पाई? दिक्कत नहीं। प्रवासी मजदूर यहाँ बाहर से आए हैं तो उनकी जांच वगैरह? हाँ, उनकी अस्पताल में जांच होने के बाद में आए हैं।
संभल अस्पताल में जाके वहाँ पे जाकर निकलवाता हुआ एक दो लोग ऐसे भी थे 14 दिन के लिए क्वारंटीन हुए क्वारंटीन करवाया गया था। अब अपने गांव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या लगता है आपको, क्या प्रमुख मांगे आप सरकार से रखना चाहेंगे? जैसे तो मैं यही चाहता हूँ कि खेल का अच्छा मैदान बनवा दिया जाए जिससे बच्चे खेल पाए पूरे जूनियर हाई स्कूल में जाए। इसके अलावा बारातगढ़ पंचायत घर यहाँ है, पंचायत घर है बारातगढ़ ये शमशान घाट भी मैं चाहता हूँ कि शमशान घाट पर भी बनवा दिया जाए, कब्रिस्तान की बाउंड्री करा दी जाए, बाउंड्री वाल नहीं हो रहा बाउंड्री वाल नहीं। तो अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? अस्पताल तो अलग है थोड़ा सा, वो पहला ही है मेरी मतलब मेरी बेदानी सही है उसका पहला बना हुआ है, अभी डॉक्टर लोग उसमें नहीं आते, मैडम है अलग बैठती हैं सरकारी स्कूल में बैठ जाती हैं। तो काफ़ी दूर है थोड़ा अस्पताल बना हुआ है, बना हुआ जी जो अस्पताल बना हुआ है वो कितने सालों से लगभग यहाँ बना तो मेरी प्रधानी से पहला लगभग 6-7 साल हो गए, 6-7 साल से बना हुआ है। दवाइयाँ या कुछ भी कोई भी सुविधा गांव में मिलती है? मतलब दवाइयाँ तो डॉक्टर नहीं भी आती है, बैठती है गांव में वो वीकली आती होंगी या मंथली या वीकली, मतलब रेगुलर वहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं बैठता, कोई भी दवाई किस तरह बंद रहता है जी। अब जैसे कि अनलॉक हो चुका है लेकिन अभी भी योगी सरकार का जैसे कि आदेश है 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा, तो इसको लेकर के और अनलॉक भी है, लोग लापरवाहियां भी बरतते हुए नजर आ रहे हैं कई जगह पर, तो आप अपने गांव वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? गांव वालों से यही है कि अपना लॉकडाउन का पालन करें, उसके बाद जो सरकार का नियम है कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, इसी पे गांव वालों से कहना है कि अपना थोड़ा सा खुद अगर स्वस्थ है तो दूसरा भी स्वस्थ रहेगा, अगर खुद हम लापरवाही करेंगे तो हमारे पास बच्चे भी हैं गाँव वाले भी हैं सभी को दिक्कत होगी। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास इन बीते 4-4.5 सालों में यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, नाले निर्माण, आवास यहाँ एक भी परिवार को अब तक नहीं मिला है, जबकि लगभग 75 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की ज़रूरत है। स्कूल में भी कार्यक्रम के अंतर्गत काफ़ी सौंदर्यीकरण जो है करवाया गया है। इसके अलावा कुछ समस्याएँ अभी भी यहाँ मौजूद हैं, जैसे कि बारात घर जो यहाँ निर्मित ही नहीं है, और यहाँ पर जो प्रमुख मांग ग्राम प्रधान द्वारा रखी गई है वो खेल के मैदान को लेकर है, और एक जूनियर हाई स्कूल जिसका वो यहाँ ग्राम पंचायत में निर्माण कराना चाहते हैं, कि सरकार की तरफ से यदि मदद मिले तो यहाँ पर युवाओं के लिए खेल के मैदान को और जूनियर हाई स्कूल के लिए वो प्राथमिकता देते हैं इसका निर्माण होने के लिए। इसके अलावा यहाँ सरकारी अस्पताल जो कि बिल्डिंग नाम मात्र बनी हुई है, जैसा कि और भी आसपास कई गाँवों में देखने और सुनने को मिला है, जिससे कोई भी किसी भी तरह की सुविधा या कोई भी लाभ किसी ग्रामवासी को नहीं मिल पाता है, अब तक नहीं मिल पाया है। इसके अलावा शमशान घाट कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल को लेकर भी यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा मांग रखी गई है। चपले के साथ नाजरीन टुडे 24 से जी, क्या नाम है आपका? जी कहाँ के निवासी हो? ग्राम यहाँ पर 4.5 वर्ष से ज़्यादा हो गए ग्राम प्रधान जी के कार्यकाल को, विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? विकास बहुत बढ़िया हो गया था। किस तरह से? सड़कों का, वाशरूम का, लेटरिन, शौचालयों का, सारा कुछ बढ़िया है। अच्छा बढ़िया है, आप इनके कार्य सहमत हो? हाँ बिल्कुल सहमत हूँ।